बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर को कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद से हड़कंप मच गया। दरअसल कनिका 11 मार्च को लंदन से लखनऊ आई थी और इसके बाद शहर की कई हाई प्रोफाइल पार्टियों में शामिल हुई। एक पार्टी में उनके साथ राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और उनके साथ सांसद बेटे दुष्यंत सिंह भी शामिल हो गए। कनिका के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद दुष्यंत ने भी कोरोना टेस्ट करवाया, जबकि उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई, जिसके बाद सभी ने राहत की सांस ली। ये जानकारी दुष्यंत के सचिव नीलू श्रीवास्तव ने दी। दुष्यंत लखनऊ से दिल्ली जाने के बाद संसद गए थे और कई नेताओं से मुलाकात की थी। वसुंधरा राजे ने भी ट्वीट करके कहा था कि कुछ दिन पहले मैं दुष्यंत और उनके ससुराल वालों के साथ लखनऊ में एक डिनर पर गई थी। कनिका कपूर जो कि कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं, वो भी उस डिनर पार्टी में मौजूद थी। सावधानी के तौर पर मैं और दुष्यंत सेल्फ आइसोलेशन में हैं और हम सभी आवश्यक निर्देशों का पालन भी कर रहे हैं। कनिका की पार्टी में कांग्रेस नेता जतिन प्रसाद भी थे, उन्होंने भी खुद को आइसोलेट कर लिया। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह भी पार्टी में शामिल हुए थे। उन्होंने एक निजी चैनल से बातचीत में कहा कि यह एक पारिवारिक समारोह था जिसमें मेरा पूरा परिवार शामिल था। मिर्जापुर से सांसद अनुप्रिया पटेल भी पार्टी में शामिल थी, उन्होंने भी खुद को आइसोलेट कर लिया। कनिका कपूर के पिता ने बताया कि लंदन से आने के बाद कनिका 3 पार्टियों में जा चुकी हैं। इस दौरान वह करीब 400 लोगों से मिली। कनिका पूर्व सांसद अकबर अहमद डंपी के यहाँ पार्टी में शामिल हुई थी, जिसमें भाजपा के कई बड़े नेता, मंत्री व अधिकारी शामिल हुए थे। वह एक बड़े कारोबारी के घर आयोजित पार्टी में गई थी। होटल ताज में भी एक कैबिनेट मंत्री और कई आईएएस ऑफिसर, पेस 3 सेलिब्रिटी नेता और मंत्री शामिल हुए थे। दोनों ही पार्टियों में कैटरिंग स्टाफ व होटल स्टाफ को हटाकर 500 से 700 लोग शामिल हुए। कनिका ने कई लोगों के साथ सेल्फी खिंचवाई और हैंडशेक किया। कनिका की ओर से दावा किया जा रहा है कि उन्होंने लखनऊ एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग कराई थी, उस दौरान उनमें कोरोना वायरस के लक्षण नहीं पाए गए थे। लेकिन उनकी गलती यह रही कि विदेश से लौटने के बाद भी उन्होंने खुद को 14 दिन तक एकांतवास में नहीं रखा और सार्वजनिक पार्टियों में शामिल होती रही। इसके साथ ही कनिका के संपर्क में रहने वाले 30 लोगों के भी सैंपल जुटाए गए हैं।